प्रिय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे इनवलोप और इवोल्यूट होता क्या है। ठीक है, इनवलोप क्या होता है सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके ऊपर एक दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है, फिर इवोल्यूट के बारे में बताएंगे कि इवोल्यूट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इनवलोप क्या होता है, इनवलोप होता है जैसे हमारे पास, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ फैमिलीज ऑफ करव, करव की जो फैमिली है उन सभी का कलेक्शन, कलेक्शन भी बोल सकते हो, या फिर देखो जैसे फैमिलीज ऑफ करव, करव की जो फैमिली है उनको हम इनवलोप्स बोल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी करव जो है बन रहा है हमारे पास, मान लीजिए ये इस टाइप से कोई करव है और एक और करव है जो इस टाइप से है या इस टाइप से है या फिर इस टाइप से जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी करव को मान लीजिए आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इन सभी करव को जो एक करव जो है इनको सभी को टच करके निकलेगा, यानी कि इन सभी करव का एक ऐसा करव जो इन सभी को जो है इन सभी से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये सारे जो है एक करव के अंदर, एक करव के अंदर हो गए ना हमारे सारे, तो इसको बोलते हैं हम इनवलोप, इनवलोप्स, ठीक है, या इनवलोप भी बोल सकते हो। तो इनवलोप क्या होता है पता चल गया, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक करव ये है, ठीक है, एक करव ये है, एक करव ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये जो जितने भी करव हैं अगर इन सभी करव को एक करव एक साथ जोड़ देता है तो उस करव को बोलते हैं हम इनवलोप। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसकी हमें जो ये करव है हमारे पास देगा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि करव ही होगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां से चली गई, ठीक है, एक लाइन यहां से चली गई, एक लाइन यहां से चली गई, एक लाइन यहां से, एक लाइन, यानी कि जितनी भी लाइन है उन सभी लाइन को एक करव से जो है अगर हम जोड़ देंगे तो उसको भी हम इनवलोप बोलते हैं, उस करव को, ठीक है। तो ये निकालना कैसे होता है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, हमारे पास जैसे लाइन की भी इक्वेशन दे सकता है, करव की भी इक्वेशन दे सकता है, ठीक है, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो या तो लाइन की मिलेगी या करव की मिलेगी, और उसमें अगर एक हमें पैरामीटर मिलेगा, एक पैरामीटर का मतलब क्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ कि y बराबर है एम एक्स प्लस सी की जगह पर भी कुछ भी ए वाई एम ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं m की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करूँगा तो हमारे पास अलग अलग लाइनें आ जाएंगी, ठीक है, जैसे 1 पुट कर दिया हमने, लेट m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जितनी भी अगर हम वैल्यू लेके चलेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस का a बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस का a बाई 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, लाइन हो जाएंगी। और इसमें से अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू आपके पास a आ जाएगी, y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू माइनस का a आ जाएगी, यानी कि पॉइंट मिल जाएंगे, और उन पॉइंटों को जब हम एक ग्राफ में अगर मिलाएंगे तो जैसे यहाँ पर आया है 0, a, -a और 0, ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ के अंदर x की वैल्यू 0, y की a है तो मैं a यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर माइनस की a ले लेंगे, तो ये दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें से भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो 0 हो गई हमारी, y की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलते रहेंगे और उनको हम मिलाते रहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, ठीक है, और उन लाइनों में से फिर ये लाइन जो बनेगी, इन लाइन को अगर आपस में मिला दें तो जो हमारे पास करव मिलेगा उसको हम इनवलोप बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो इससे देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास लाइन है और उनको अगर मिला दें तो फिर क्या बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसको फिर सोल्व करके देखेंगे कि क्या आएगा, कैसे सोल्व करते हैं इनवलोप को, जो करव है हमारे पास जो सभी लाइन को या सभी करव को जो है आपस में कनेक्ट करता है वो क्या बनेगा हमारा। तो देखो
सबसे पहले इसका मेथड क्या है, मैं मेथड बता देता हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसके अंदर फंक्शन मिलेगा आपको, एक्स या वाई के अंदर स्टेटमेंट मिलेगी और एक पैरामीटर भी मिलेगा भाई, ठीक है। एक पैरामीटर अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसके अंदर दो तो वेरिएबल होंगे और एक पैरामीटर होगा, ठीक है। अल्फा या एम से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट ली है, एक्स भी है, वाई भी है और एम भी है, ठीक है। ए भी हो सकता है पैरामीटर अपना, लेकिन वो बहुत बता देगा हमें कि ये हमारा पैरामीटर है स्टेटमेंट के अंदर, तो उस पैरामीटर को हम जो है पैरामीटर उसी को मान के चलेंगे जिसमें बता रखा है। अगर ए को बोल देता तो फिर हम ए को पैरामीटर मानते, एम को बोल रखा है तो हम एम को पैरामीटर मानेंगे। पैरामीटर का काम क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। सेकेंड स्टेप क्या है कि स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह मिलेगी, एक्स वाई और एक पैरामीटर के अंदर हमें इसका डेरिवेटिव कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव? पार्शली डेरिवेटिव करना है भाई, और वो भी एम के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक पैरामीटर जिसके जिसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, जिस भी पैरामीटर के अंदर, उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कर देंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम उस पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो वापिस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कर्व आ जाएगा जो सभी लाइनों को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो देखो इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो देखो फंक्शन हमारे पास ही है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम, पार्शली डेरिवेटिव करना है भाई विद रिस्पेक्ट टू एम, ठीक है। पार्शली डेरिवेटिव करेंगे तो वाई क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एम का आपके पास हो जाएगा वन, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक्स आपका कॉन्स्टेंट है एज इट इज बच जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 बाई एम का क्या होएगा, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो 1 बाई एम का, ए तो आपके पास कॉन्स्टेंट है तो ए बाई एम स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँगी तो ए बाई एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो मैं पलट देता हूँ इस वैल्यू को, तो एम स्क्वेयर बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। ए को उस साइड लेके जाएंगे तो एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाई एक्स, दोनों साइड रूट कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एम इज इक्वल टू रूट ए बाई एक्स, आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एम की वैल्यू है आपके पास, क्या करना है, मैंने बताया था कि डेरिवेटिव करने के बाद एम की वैल्यू निकालनी है और वापस फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास ये है, एम की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम की जगह पर है भाई रूट ए, और डिवाइड में भी रूट एक्स, अलग अलग रूट लिख देंगे, और एक्स आपके पास है एज इट इज, प्लस ए बाई इसकी जगह पर रूट ए डिवाइड बाई रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर वन पावर है, यहाँ पर वन बाई टू पावर है, तो वन बाई टू पावर कैंसिल करेंगे तो वन बाई टू पावर बच जाएगी आपकी, यानी कि वन बाई टू को हम रूट लिख देंगे तो रूट ए और रूट एक्स आ जाएगा, प्लस ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, तो रूट एक्स तो आपके पास ऊपर आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पर वन पावर है, यहाँ पर वन बाई टू पावर है, कैंसिल करेंगे तो वन बाई टू पावर बच जाएगी आपकी, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है तो y इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो टू ए एक्स आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने के पर हमारे पास टू ए एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स बच जाएगा। तो आपके पास क्या आया भाई, एक पैराबोला आ गया, जो कि जितनी भी लाइन हमारे पास बन रही थी इसमें से उन सारी को ये आपस में कनेक्ट करके एक पैराबोला की शेप आ जाएगी, ठीक है। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है ना, तो ये था हमारे पास कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कर्व दे रखा हो या लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, करना क्या हमें, उसका डेरिवेटिव कर देंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू मिल जाएगी, एम की वैल्यू वापस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि इनवलोप की इक्वेशन आ जाएगी, जैसा इनवलोप जो है कर्व बना रहा है हमारा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट कुछ भी हो भाई, अब की बार ले लेते हैं y इज इक्वल टू क्या ले, अल्फा x प्लस क्या लेंगे भाई, चलो
अल्फा यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स साइन अल्फा ले लेंगे, ठीक है। अल्फा इज ए पेरीमीटर, अल्फा क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं भाई, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक्स आपके पास कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब एक्स को अभी मैं इस साइड देखा हुआ तो जीरो हो जाएगा, तो कोस अल्फा आपके पास जीरो के इक्वल आ गया। अब यहाँ से मैं कोस की वैल्यू देख लेता हूँ कि जीरो कहाँ पर होती है, तो कोस की वैल्यू जीरो पाई बाई टू के ऊपर होती है, तो कोस अल्फा, कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी आपकी। अब यहाँ से अल्फा मैंने बताया था कि जिस जो भी पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू डेरिवेटिव करने पर, जीरो के इक्वल रखने पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एक्स साइन पाई बाई टू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास करो यानी कि वो लाइन आ जाएगी जो इसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर है। कुछ भी स्टेटमेंट हो बस हमें करना क्या है, उसका डेरिवेटिव करना है और पैरामीटर की वैल्यू निकाल के वापस करो के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है, ये आपका मेथड है। तो देखो अगर मैं और इक्वेशन लेके चलता हूँ, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर ए स्क्वेयर ले लीजिए, ठीक है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर ये ले लीजिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमें क्या करना है अभी, वही a क्या है अब की बार पेरीमीटर है और इसका कर्व निकालना है, तो पार्शियली डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a का तो वन हो जाएगा, फोर एक्स आपके पास कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, इसका करेंगे तो टू a और a का हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा या इसको इस साइड लेके आएंगे तो टू a इज इक्वल टू माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो a की वैल्यू माइनस टू एक्स आ जाएगी, a की वैल्यू है आपके पास वापस पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4x, तो एज इट इज a की जगह पर ये वैल्यू माइनस का 2x प्लस यहाँ पर भी माइनस का 2x की पावर 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। अब दोनों को देखेंगे तो वाई स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वेयर, तो ये आपके पास करवा जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए हमें करना क्या है, बस फंक्शन है, फंक्शन का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है और वहां से पैरामीटर की वैल्यू निकाल के और इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, तो आपके पास एनवेलोप की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये तो था आपके पास इनवोल्यूट। अब इवोल्यूट क्या होता है, तो इवोल्यूट के ऊपर भी मैं आपको मेथड बता देता हूं। देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम है हमारे पास जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी हो, कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी हो, जैसे हम स्टेटमेंट भी कोई एग्जांपल भी लेके चल पड़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो जो भी इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई के अंदर आपके पास स्टेटमेंट मिलेगी भाई, ठीक है, एक्स वाई या कॉन्स्टेंट के अंदर स्टेटमेंट मिलेगी, हमें करना क्या है, अलग अलग भी हो सकती है कि एक्स की अलग से मिल जाए वाई की अलग से मिल जाए, तो इस तरह भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर भी हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है। तो स्टेटमेंट किसी भी तरह की हो हमें करना क्या है, एक आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है वो है कि सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस वाई डैश और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई का डबल डेरिवेटिव, और एक बीटा की वैल्यू निकालनी होती है हमें, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और डिवाइड बाई वाई का डबल डेरिवेटिव। मेथड क्या है, इसके अंदर हम
फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हम एक वेरिएबल के अंदर लेके आएंगे या फिर बीटा की वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर लेके आएंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू हम अल्फा के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे और वो वैल्यू फिर बीटा के अंदर पुट कर देंगे या फिर इसमें से वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। यानी कि लास्ट में जो हमारे पास स्टेटमेंट बचनी चाहिए वो अल्फा और बीटा के अंदर बचनी चाहिए, एक्स या वाई के अंदर नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट, उसको हमें कैंसिल करना है। ठीक है, कैसे भी करके एक्स और वाई को कैंसिल करो, अल्फा और बीटा को के अंदर स्टेटमेंट को लेके आओ और अल्फा और बीटा की जगह पर एक्स और वाई पुट कर देंगे। ठीक है, वो आपके पास इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मान लीजिए क्वेश्चन है और हमें करना क्या है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो 2y और y का y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 4a, आपके पास कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2y को उस साइड लेके जाएंगे तो y डैश इज इक्वल टू 4a बाई 2y हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2a बाई y। ये तो y डैश की वैल्यू है। अब हमें y का डबल डैश की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो y का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का 2a तो कॉन्स्टेंट है, डिवाइड बाई y स्क्वायर और y का करेंगे तो y डैश। अब y डैश की वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पर, तो y का डबल इज इक्वल टू माइनस ए 2a बाई y स्क्वायर इंटू इसकी जगह पर 2a बाई y आ जाएगा। तो y का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से माइनस का 4a स्क्वायर बाई y की पावर 3। ये आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू आपके पास ये है 2a बाई y इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बाई y का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई y का डबल डेरिवेटिव, तो ये माइनस का 4a स्क्वायर बाई y की पावर 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको तो ऊपर लेके जाऊंगा, पलट जाएगी वैल्यू और ये इसके पास आ जाएगी, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस y की पावर 3 ऊपर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर नीचे, ये आपके पास 2a बाई वाई और अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर y स्क्वायर, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y की 1 पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू x प्लस यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर और डिवाइड बाई है भाई 2a बच जाएगा और डिवाइड में है वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से फिर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2a। अब अगर मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, आपके पास है 4ax, तो मैं यहाँ पर 4ax और प्लस का 4a स्क्वायर। अब अगर मैं 4a को कॉमन लूँगा या फिर 2a को इसके डिवाइड में ले जाऊँ, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x बच जाएगा, क्योंकि 2 ये कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और ये a की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो a बच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू 3x प्लस का 2a। अब यहाँ से एक वेरिएबल के अंदर स्टेटमेंट है x के अंदर और अल्फा भी है, तो इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से और जो बीटा की वैल्यू निकालेंगे उसके अंदर ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा और ये साइड आके माइनस का 2a इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस का 2a बाई 3। तो x की वैल्यू तो अल्फा के अंदर हमने निकाल ली, अब बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बीटा इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई प्लस 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई वाई का डबल डेरिवेटिव आपके पास ये है तो माइनस का 4a स्क्वायर बाई वाई की पावर 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस, ये ऊपर जाके देखो ये माइनस आगे आ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा वाई की पावर 3 बाई 4a स्क्वायर
और यहाँ पर वाई स्क्वेयर एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस का 4a स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर से 1 पावर बच जाएगी यहाँ पर, तो बीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई 4a स्क्वेयर, और यहाँ पर वाई स्क्वेयर की वैल्यू फिर पुट कर देंगे 4x, तो 4ax और प्लस का 4a स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो फिर 4a को इसके डिवाइड में भी इसके डिवाइड में भी ले जाएंगे, तो बीटा इज इक्वल टू y को मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस, अगर y की वैल्यू पुट करना चाहो तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं भाई, बाद में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास, इसको इसके डिवाइड में लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 पावर कैंसिल, तो एक्स वाई ए आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, अंदर जाएगी तो माइनस का 1 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू एक्स वाई वाई माइनस का एक्स वाई वाई ए, ये आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से, अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों साइड रूट कर देंगे तो ये आ जाएगी 2√ax, ठीक है। तो वाई की जगह पर मैं 2√ax निकाल लेता हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का एक्स तो आपके पास एज इज, डिवाइड बाई ए भी एज इज, इसकी जगह पर आ जाएगा 2√a और रूट एक्स अलग अलग लिख लेंगे भाई, रूट एक्स, इसकी तो 1/2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है तो 1/2 पावर कैंसिल करके 1/2 बच जाएगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2x की 1 पावर और एक्स की 1/2 पावर, तो एक्स की 3/2 पावर हो जाएगी और डिवाइड में रूट ए है, एक्स की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2a√a, तो एज इज एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा माइनस का 2a/3 की पावर 3/2, ठीक है। तो देखो भाई ऊपर वाले की तो 3/2 हम एज इज रख लेंगे, माइनस का 2/√a अल्फा माइनस का 2a की पावर 3/2 डिवाइड में, ये आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 और उसका फिर रूट कर देंगे तो 3√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√3। अब इसको और इसको अगर इस साइड लेके आना चाहो तो इस साइड भी लेके आ सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3a बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा और माइनस माइनस प्लस का, सॉरी वही अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, माइनस का 2 और ये माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा a और उसकी पावर 3/2। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट आई, अगर 2 को भी साइड लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, तो माइनस का हो जाएगा ये माइनस का 3√3a बीटा डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा अल्फा माइनस 2a की पावर 3/2, ठीक है। अब जहाँ पर अल्फा है वहाँ तो हम x पुट कर देंगे, जहाँ पर बीटा है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3√3a/2, यहाँ पर तो y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 2a की पावर 3/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि मेथड क्या है, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो उसका हमें करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करके, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करके, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो बीटा को भी एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है और अल्फा को भी एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है, ताकि उस वेरिएबल के हम वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से अल्फा और बीटा के अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी। अल्फा और बीटा के अंदर स्टेटमेंट आने के बाद फिर हमें क्या करना है, अल्फा की जगह पर तो एक्स पुट कर देना है और बीटा की जगह पर वाई पुट कर देना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि वो इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर और एग्जांपल कोई भी अगर करना चाहो तो कमेंट में बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, थैंक यू।